बहराई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव सपा के कैसरगंज विधायक आनंद यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और बहराइच को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि बहराइच जनपद भयंकर सूखा की चपेट में है। सूखे की मार से किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। बहराइच जनपद में अब तक औसत वर्षा के सापेक्ष कुल 20% वर्षा हुई है। समय से बरसात न होने के कारण धान की रोपाई नहीं कर सके और जिन किसानों ने किसी तरह से धान की रोपाई कर ली उनके धान की 50% फसल सूखी रह गई। डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण सिंचाई महंगी हो गई है। भाग्य साथ साथ गन्ने की फसल भी बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने मांग की है कि बहराइच को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों की फसल की क्षति का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, निजी नलकूपों की सिंचाई माफ की जाए, किसानों के पतले ऋण के किस्से माफ कर वसूली स्थगित की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए आबाद रूप से कम 20 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। एक सूत्रीय हमारा ज्ञापन है कि प्रदेश सहित हमारा बहराइच जनपद और यहाँ का किसान सूखे की मार से त्राहि त्राहि कर रहा है। 80% धान की रोपाई नहीं हो पाई है और गन्ने मेंथा मक्का सारी की सारी फसल किसानों की चौपट हो गई है। बरसात नहीं हुई है, 80% बरसात कम हुई है पिछले साल की तुलना में और किसानों का आगे आने वाला भविष्य जो है वो बहुत अंधकारमय हो गया है और सरकार कानों पर के उनके जूं भी नहीं रेंग रही है कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाए इसको। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी नींद से उनको जगाने के लिए बाबा जी को हम लोग आज आए हैं और DM साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है।